सो हेलो एंड वेलकम बैक विजिटर इन आवर अनदर वीडियो। सो इससे पहले जो वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे थे उसमें हम रोग निदान की व्याधियाँ उसको डिस्कस कर रहे थे, वो भी साइड बाय साइड जो है चलती रहेंगी। बट एज आई हैव प्रॉमिस कि मैं जो है नई वीडियोज़ अपलोड करूँगा, दूसरे टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं द्रव्यगुण को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है अभी मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं भी डिस्कस करने से हमारा थोड़ा और प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो जो द्रव्यगुण फर्स्ट पार्ट है उसमें तो ऐसी कोई ट्रिप्स और ट्रिक्स की मेनली ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर पड़ती भी होगी या हमें कुछ पता चलेंगे तो वी विल शेयर। और जो ये सेकंड पार्ट है उसकी मेरे पास दो ट्रिक्स हैं। हाँ, जो थंबनेल था वो बिल्कुल करेक्ट था, कोई क्लिक बेट नहीं था। 50+ प्लांट्स हम फर्स्ट ट्रिक से कवर करेंगे। नाउ जो एक्सेप्शंस बच जाते हैं या कोई भी प्लांट्स अगर बच जाता है उसके लिए हम सेकंड ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो मैं पर्सनली दोनों ही ट्रिक यूज़ करता हूँ और आप जो है कोई भी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो ये दोनों ही ट्रिक जो है मेरी नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ट्रिक जो है मे बी आपने देखी हो काफ़ी, और मैंने भी ये सर्च किया था जब मैंने द्रव्यगुण स्टार्ट कर किया था पढ़ना, तो मैंने सर्च किया काफ़ी तब जाके मुझे ये ट्रिक मिली। बट मैंने कोशिश की है कि इसको अपने वे में अच्छे से एलेबोरेट कर पाऊँ। और जो सेकेंड ट्रिक है वो मेरे फ्रेंड की है, वो उसने खुद इन्वेंट किया है, तो उसने मेरे से शेयर करी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोनों ही ट्रिक के लिए हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मेनली रसपंचक याद करने होते हैं, क्योंकि बॉटेनिकल नेम, फैमिली, ये सब तो हमें याद करना ही करना है, लेकिन रसपंचक याद करना इतने सारे प्लांट्स का वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिक्स बनाएंगे। दोनों ट्रिक्स से रसपंचक तो याद होंगे ही होंगे, बट जो एक दूसरी ट्रिक है यानी सेकेंड ट्रिक है, तो उससे आप क्या है काफ़ी और चीज़ें भी उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ने से पहले, किसी भी ट्रिक को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं रस गुण वीर विपाक यानी रस पंचक जो इम्पोर्टेंट है देखना। तो रस हमारे पास षड रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक, कषाय। इनको हमने न्यूमेरिकल सीरीज में नंबरिंग दी है और इनको हमने अल्फाबेट से भी डिनोट किया है, जो कि MALKTKA। तो ये हमने पर्सनली इसको दोनों तरीके से, मतलब न्यूमेरिकल भी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखा है। ये हमें सेकेंड ट्रिक में कोडिंग में यूज होगा। और ना गुण की बात करें तो मेनली गुणवादी गुण हमने लिखे हैं, क्योंकि गुणवादी गुण जो हैं वही काम आते हैं ज़्यादातर प्लांट्स के गुणों में। तो यहाँ पर 20 गुणवादी गुण हमने लिखे हैं, सबको नंबरिंग दी है, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी दिया है, 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग और A से लेकर T तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भी जो है हमारे सेकेंड ट्रिक में ही काम आएंगे। वैसे ही वीर ये हमने दो तरह के डिस्कस किए हैं, शीत और उष्ण। तो शीत जो है उसको भी 1 नंबर दिया है, उष्ण जो है उसको 2 नंबर दिया है। नाउ अगर हम विपाक की बात करें तो विपाक मेनली 3 तरीके हमने बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, जिसमें ध्यान रखने बात है जो अम्ल विपाक है वो ज़्यादा में नहीं पाया जाता, अम्ल जो है वो बहुत कमों में एक्सेप्शन में पाया जाता है। तो हम मेनली यहाँ पे मधुर और कटु की बात करेंगे। तो मधुर विपाक और कटु विपाक, ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, जो देख के ही हम आगे बढ़ेंगे अपनी ट्रिक की ओर। नाउ वील मूव टू अवर फर्स्ट ट्रिक, जो कि हमें इसमें क्या है हमें फॉलो करना है, वीर से विपाक, विपाक से रस, रस से गुण। तो ये ट्रिक जो है मेनली फोकस करती है रसपंचक पे। अगर आपको ट्रिक समझ आ जाती है तो आप इजीली जो है प्लांट्स के रसपंचक जो है लिख सकते हैं, वो भी मोर देन 50, उसके 60-70 अराउंड प्लांट्स आपके रसपंचक में क्लियर हो जाएंगे। अब ये बता दूँ कि हर ट्रिक जो है 100% श्योरिटी के साथ नहीं आती है, कुछ तो थोड़ी सी कमियां होती हैं हर में, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। बट ये है कि मोस्ट तरीके से 98% जो है ट्रिक जो होती है करेक्ट रहती है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वीर। वीर दो तरीके के हमने बताए, शीत और उष्ण। वहीं अगर शीत वीर में जाएं तो दो तरीके के विपाक देखेंगे, मधुर और कटु, वहीं उष्ण में भी मधुर और कटु। अम्ल इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि अम्ल बहुत कम एक्सेप्शंस में ही रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो अब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे यानी डिविजन्स देंगे। तो पहला जो शीत वीर है और मधुर विपाक है उसका हमने ए प्लांट्स में इंक्लूड किया, यानी ए के जो भी प्लांट्स होंगे उनका वीर जो होगा वो रहेगा शीत, विपाक होगा मधुर। वैसे ही सेकंड को हमने बी से इंक्लूड किया है, थर्ड को हमने सी से इंक्लूड किया है, फोर्थ को हमने डी से इंक्लूड किया है। तो यानी ए प्लांट की अगर बात करें तो उनका वीर रहेगा शीत और विपाक रहेगा मधुर। नाउ अब बचता है रस और गुण। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि रस और गुण कैसे याद करेंगे। तो सभी ए प्लांट्स में जितने भी प्लांट हम आगे इंक्लूड करेंगे उन सभी के रस और गुण सेम होंगे। तो आपको ए का रस और गुण याद करना है, आपको ऐसे याद करना है कि ए प्लांट का रस और गुण क्या होगा। तो ए प्लांट का रस और गुण होगा मधुर, इसका रस रहेगा, गुण इसका गुरु स्निग्ध रहेगा।
ये दो चीज़ आपको याद करनी है, ये दो चीज़ आपको चार्ट से पता चल जाएगी। वैसे ही बी का अगर रस देखें तो कटु तिक कषाय हमने तीनों लिखा है, लेकिन जो तिक्त है वो मेनली प्रेजेंट रहेगा मेनली प्लांट्स में। नाउ अगर गुण की बात करें तो गुण इसमें लघु रूक्ष रहेगा। वैसे ही रस जो है मधुर का वो कटु तिक्त कषाय रहेगा, जिसमें से कटु मेनली प्रेजेंट होगा। अब गुण की बात करें तो लघु स्निग्ध रहेगा। अब रस हम बात करें डी का, तो डी का रस कटु तिक्त कषाय रहेगा। तीनों में से कोई भी आप दो इंक्लूड कर सकते हैं, बुक्स में जो फेवरेबल दिया होगा वही लिखें। और नाउ गुण अगर देखें तो लघु रूक्ष रहेगा। यहाँ देखने वाली बात है कि लघु रूक्ष इसका भी है डी का, और लघु रूक्ष गुण बी का भी है, तो ईजी हो जाएगा याद करने में। अब आपको सिर्फ ये याद करना है कि रस और गुण ए के क्या हैं, रस और गुण बी के क्या हैं, रस और गुण सी के क्या हैं, रस और गुण डी के क्या हैं, और वीर्य विपाक आपको इस टेबल से ए बी सी डी के पता चल जाएंगे। तो अब ये सब चीज़ें अगर आपने लर्न कर ली हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि लर्न करके ही आगे बढ़ें। एक बार आपने माइंड में बिठा ली हैं तो उसके बाद जो है हम ए के प्लांट डिस्कस करेंगे, के में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, उससे आपको पूरा ए का रस पंचक क्लियर हो जाएगा। वैसे ही सेम बी का, वैसे ही सी का, वैसे ही डी का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार से पढ़ लें, लर्न कर लें, फिर ही आगे बढ़ें। नाउ अब हमने ये समझ लिया है कि रस पंचक किसके क्या होंगे। अब हमें देखना है कि ए बी सी और डी में कौन कौन से प्लांट्स इंक्लूडेड हैं। तो इसके लिए भी एक इजी मेमोनिक्स है, तो हर पार्ट के लिए एक इजी मेमोनिक्स है। तो फर्स्ट जो ए के प्लांट्स हैं उसको हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ वहाँ सार सत्व और गो है, यहाँ वहाँ सार सत्व और गो है। यहाँ से हो जाएगा यष्टि मधु प्लांट, वहाँ से विदारी प्लांट, सार से सरीवा प्लांट, सत्व से सतावरी प्लांट, और से आरगवत प्लांट, और गोक से गोक्षूर प्लांट। तो इन सभी प्लांट्स के जो रस पंचक हैं वो रस पंचक होंगे जो हमने पिछले पेज में ए के डिस्कस किए। नाउ अगर बी का याद करना हो तो बी का कैसे याद करेंगे। बी का हम याद करेंगे, अब श्वेता जट रक्त धोकर मूली पारोशो कहकर उग गई। अब श्वेता जट रक्त धोकर मूली पारुषो कहकर उग गई। तो ओ से हमारी प्लांट्स हो जाएंगी अर्जुन एवं अशोक, बौ से हो जाएगा बीजक, सौ से हो जाएगा श्वेत चंदन, जट से हो जाएगा जम्बू एवं जटामानसी, रक्त से हो जाएगा रक्त चंदन, धोकर से हो जाएगा धातिकी, मुंह से हो जाएगा मुस्ता, ली से हो जाएगा लवंग, पा से हो जाएगा परपट पाषाण भेद, रो से हो जाएगा रोहितक, शो से हो जाएगा सलक्की, कैसे हो जाएगा कुट्टुज कुटुका कंचिनार, कर से हो जाएगा कर्पूर, ऊ से हो जाएगा उशीर, व से वासा। नाउ प्लांट्स ऑफ सी देखें तो उसका मेमोनिक्स है पीले अश्व का बल से वध। तो पीले से हो जाएगा पिपली, अश्व का से हो जाएगा अश्वगंधा, बल से हो जाएगा भल्लाल तक। नाउ बहुत भाव में आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों, बट थोड़ा तो डिफरेंस मिलेगा ही। और वध से हो जाएगा वत्सनाभ। तो ये सब ए बी सी के हमारे प्लांट्स हैं। नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट अपने डी के प्लांट्स। तो डी में क्या होगा, ऑल प्लांट्स विच आर नॉट इन ए बी सी प्लांट्स वो डी में इंक्लूड होंगे। तो जो भी प्लांट्स जो ए बी सी में इंक्लूड नहीं है वो सब डी में इंक्लूड होंगे। अब नोट ये करना है कि डी में जो भी सभी प्लांट्स हमारे इंक्लूड हो रहे हैं उनमें एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। जैसे केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन वहाँ रहती ही है, तो कोई भी ट्रिक जो है 100% वर्किंग नहीं होती है, थोड़ा बहुत ग्लिच तो हर किसी में होता है। तो एक्सेप्शन रहेंगे, जैसे हरित की एक्सेप्शन है, विभीत की एक्सेप्शन है, आमलकी कर्पूर एला अदरक और गुड़ीची। तो आपको बस ये ध्यान देना है ए बी सी तक आप अच्छे से पढ़िए, रसपंचक सबके चेक करना ज़रूरी है। लेकिन डी जब प्लांट आप पढ़ेंगे जो ए बी सी में इंक्लूड नहीं होंगे, उस समय आपको एक बार देख लेना है डी के प्लांट्स के जो डी का रसपंचक है, अगर वो प्लांट का रसपंचक है तो वो डी में इंक्लूड करिए, वरना उसे एक्सेप्शन इंक्लूड में करिए, एक्सेप्शन में इंक्लूड करिए। नाउ इसके लिए भी सेकेंड ट्रिक है जिससे हम बाकी बचे हुए प्लांट्स, बाकी के सारे प्लांट्स बचे हुए उससे याद कर सकते हैं। तो एक बार हमने पूरी ट्रिक देख ली है, हमारा ये फर्स्ट पेज था जिसमें हमने पूरा देखा था, तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। जो हमने ट्रिक सीखी है उसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो यष्टि मधु जो है ए का प्लांट है, और ए का रस हमने आपको बताया था कि ए का रस होगा मधुर। नाउ ए का रस मधुर होगा। अब गुण क्या होगा, गुण ए का था गुरु और स्निग्ध, तो एक गुण लिखेंगे हम। नाउ वीर्य हमने देखा था, वीर्य हम इससे चेक करेंगे कि ए का वीर्य था शीत और विपाक था मधुर। तो ए का वीर्य हो जाएगा शीत और विपाक हो जाएगा मधुर।
तो ये रह जाएगा ए का, जितने भी ए के प्लांट्स होंगे सबका रसपंचक ये होगा। नाउ अर्जुन हमें पता है कि बी में आता है, तो अर्जुन में आप खुद फिल करिए, पिपली का आप खुद फिल करिए और ब्राह्मी का आप खुद फिल करिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ट्रिक जो है वर्किंग है। नाउ अब आपने जो फर्स्ट ट्रिक है उसकी हेल्प से जो है ए के प्लांट्स याद कर लिए, बी के प्लांट्स याद कर लिए, सी और डी के प्लांट्स भी याद कर लिए, पर जो है एक्सेप्शन जो है वो रह गए, और ए प्लांट मतलब ए ट्रिक से जो है खाली आपको रसपंचक याद होंगे। तो इसके लिए जो है हमारे पास सॉल्यूशन है, जो बचे हुए प्लांट्स है अगर आप उन्हें याद करना चाहें तो सेकंड ट्रिक से कर सकते हैं, या सेकंड ट्रिक से ही आप पूरे के पूरे प्लांट्स याद कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप वो देखिए। तो हम सेकंड ट्रिक को देखने से पहले सबसे पहले अपना फर्स्ट पेज को आगे कर लेते हैं। हम इसमें देखते हैं हमने रस गुण वीर्य विपाक को सबको न्यूमेरिकल नंबर्स दिए थे, अल्फाबेट्स दिए थे, तो ये मधुर को हम 1 से डिनोट भी कर रहे हैं, मधुर को हम एम से डिनोट भी कर रहे हैं, गुरु को हम 1 से डिनोट भी कर रहे हैं, गुरु को हम ए से डिनोट भी कर रहे हैं, शीत को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, मधुर को विपाक में 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम कोडिंग करेंगे। तो होता क्या है, सेकंड में बेसिकली आप एक कोड बनाते हैं, अगर आप कोई प्लांट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कोड बनाएंगे जिससे आपको प्लांट जो है लर्न हो जाए। तो इस ट्रिक में हमको जैसे पिछली वाली ट्रिक में हमने फॉलो किया था, फर्स्ट ट्रिक में आप देखिए वीर विपाक रस और गुण, नाउ इसमें जो हम फॉलो करेंगे वो होगा रस गुण वीर विपाक। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, इसको ध्यान में रख के ही दोनों ट्रिकों को यूज़ करिएगा। तो अब देखते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल प्लांट लिया पाषाण भेद, पाषाण भेद हमने प्लांट लिया, बोटेनिकल नेम और फैमिली हमको याद करनी पड़ेगी। इसका भी अगर कोई ट्रिक्स वगैरह होती हैं या फ्यूचर में कभी ऐसा कोई आइडियाज आते हैं तो वी विल टेल, तो ये याद करेंगे। तो इसका बॉटेनिकल नेम है वर्जीनिया लिग्युलाटा और सेक्सी फैग्रेसी फैमिली का ये है। अब अगर आप इसके रसपंचक देखने जाएंगे तो रसपंचक इसके रहते हैं तिक्त कषाय रस, गुण रहता है लघु स्निग्ध तीक्ष्ण, वीर रहता है शीत और विपाक रहता है कटु। अब ये आपको हर प्लांट के तो याद रहेंगे नहीं, तो इसलिए हमने पाषाण भेद को एक पर्टिकुलर कोड दिया, जो कोड है 56BDPG 13 रुपये में मूल रूप से, तो ये कोड दिया। अब इससे हमें आधा प्लांट पूरा मतलब लगभग प्लांट हमें पता है, तो इसको डिकोड कैसे करना है, आपको कोड याद है उसको डिकोड कैसे करेंगे, तो कोड ये रहेगा। कोड समझने के लिए हम जो है इस पेज में आएंगे अपने। तो सबसे पहले है 56, शुरू का जो पॉइंट है, सबसे पहले हमने देखा था कि हम रस लिखा है, तो शुरू का जो कॉमा से पहले है वो रस होगा, यानी रस कौन सा है 5 और 6 नंबर का। अब आप इसमें देखिए कि रस 5 में कौन सा आ रहा है तिक्त और 6 में कौन सा आ रहा है कषाय, और रस इसमें है क्या तिक्त और कषाय, तो यानी 56 जो है वो रस को डिनोट करता है, यानी हमें पता चल गया कि पाषाण भेद का जो रस है वो तिक्त और कषाय है। नाउ सेकंड कॉमा लगने से पहले देखिए, सेकंड कॉमा लगने के बाद क्या है, हमारा गुण आता है, तो गुण में हमने लिखा है BDPG। नाउ ध्यान रखने वाली बात यह है कि BDG हमने अल्फाबेटिकल लिखा है इंग्लिश में, नाउ P हमने जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है, यानी जो सिग्निफिकेंस है वो खाली BD और G का है। तो हमें देखना है नेक्स्ट, हम देखेंगे गुण, सेकंड गुण है तो हम नेक्स्ट गुण देखेंगे। तो गुण अब देखिए BDG में कौन कौन से गुण आ रहे हैं, बी में आ रहा है लघु, डी में आ रहा है तीक्ष्ण, जी में आ रहा है स्निग्ध, तो यही है लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण, तीनों ही गुण आ गए। तो यहाँ पे हमने डिकोड रस को भी कर लिया, गुण को भी कर लिया, नाउ तीसरा रहेगा वीर्य, तो तीसरा कॉमा हमने 1 पे लगाया है, तो 1 के बाद कॉमा है, तो तीसरा है वीर्य जो है वो 1 नंबर का है, और 1 नंबर का वीर्य यहाँ कौन सा है, 1 नंबर का वीर्य है शीत, तो इसका वीर्य रहेगा शीत। अब हम देखते हैं इसमें लास्ट जो है वो है विपाक, तो लास्ट क्या लिखा है हमने 3, तो 3 जो है वो विपाक रहेगा, तीसरा विपाक कौन सा है कटु, तो कटु रहेगा इसका विपाक, और ये आप यहाँ मैच कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैच होगी ट्रिक। अब हाँ, आपके एक क्वेश्चन उठ सकता है कि रुपए में मूल रूप से क्या है, तो जो रुपए में मूल रूप से है तो मूल जो है इसका प्रयोजांग हमने लिखा है एडिशनल, जो हम बनाना चाहते हैं, सिर्फ रसपंचक नहीं, हम प्लांट्स के साथ कुछ और भी उसके प्रयोजांग, उसकी मात्रा, ये सब भी ट्रिक में इंक्लूड कर सकते हैं। बात है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, जितना अगर जो मेरे फ्रेंड ने मुझे ट्रिक बनाई वो बहुत क्रिएटिव है, वो तो सब इंक्लूड करता है इसमें, तो बात आप पे है कि आप ऐसी ट्रिक्स बना के क्या क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप विशिष्ट योग भी कर सकते हैं, आप उसका प्रयोजांग कर सकते हैं,
बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, तो एक ही कोड से आपको लर्न हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, जब भी आप पाषाण भेद याद करेंगे तो आपको ये याद करना है, वर्जीनिया लिगुलाटा सेक्सी फ्रेगेसी 56 BDPG 13 रुपये में मूल रूप से। आपको नाम के साथ साथ एक कोडिंग याद करनी है, दैट विल बी गुड। नाउ इसको सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि है रासना। तो रासना का बॉटेनिकल नेम है प्लूचिया लेंसोलेटा, एस्ट्रिएसिस की फैमिली है। इसका रसपंचक है ये, रस है तिक्त, गुण है गुरु, वीर है उष्ण, विपाक है कटु। अब इसके लिए हमें एक ट्रिक फॉर्म करनी है, तो हम ट्रिक क्या बनाएंगे, जो हमने ट्रिक बनाई वो है 5123 पत्र। तो यहाँ पे हमने कॉमन ही लगाया, लेकिन आपको समझना है कि 5000 इसमें कुल चार चीज़ें हैं, 1 2 3 4, 5123 यानी चार चीज़ें क्या है, पहला रस, दूसरा गुण, तीसरा वीर, चौथा विपाक। तो ये पांच जो है, ये पांच है रस, ये है गुण, ये दो है वीर और ये तीन है विपाक। तो ये हमें समझना है कि ये रस है। तो पांचवें नंबर पे कौन सा रस आ रहा है, एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। पांचवें नंबर पे आ रहा है तिक्त, तो तिक्त ही इसका रस है, ये अभी हमने देख लिया। अब इसका गुण क्या है, गुरु, और गुण हमारा एक है, तो एक गुण क्या है, पहली टेबल में चेक कर लेते हैं, गुरु करेक्ट है ये भी। अब सेकंड नंबर पे जो तीसरा आएगा वो आएगा वीर, तो वीर क्या है, दो, और विपाक क्या है, तीन, तो दो तीन चेक कर लेते हैं हम, वीर क्या है, दो उष्ण, विपाक क्या है, तीन कटु, तो वीर देख लेते हैं, उष्ण, विपाक क्या है, कटु। तो यही है ये ट्रिक बनाने का तरीका। अब ये ट्रिक क्या है, इसमें हम आपको ज़्यादा प्लांट्स इसलिए नहीं एक साथ कवर कर सकते, क्योंकि हर प्लांट के लिए एक अलग कोड है, हर प्लांट का एक अलग कोडिंग है। तो आप के लिए बेहतर होगा कि आप कोडिंग खुद से बनाएं आप, क्योंकि खुद की बनाई चीज़ अपने को ज़्यादा याद रहती है। तो ये होगा सेकंड ट्रिक, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। दोनों की जो है अपना अपना ड्रॉबैक है। सेकंड चीज़ ट्रिक में आपको काफ़ी, मतलब काफ़ी प्लांट्स के नाम के साथ उनके कोड याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। फर्स्ट में भी ये है कि आपको हमेशा जो है डिज़ायर्ड वो नहीं मिलेगा, कहीं आपको रस में थोड़ा सा आगे पीछे मिलेगा, लेकिन 100% देखिए कोई ट्रिक नहीं होती, आपको दोनों यूज़ करनी पड़ती है। और मैं ये बता दूँ वीडियो एंड करने से पहले कि दोनों ही ट्रिक मेरी नहीं है, पहली जो ट्रिक है मुझे काफ़ी सर्चेस के बाद मिली है, मे बी आप उसे पहले देख चुके हों यूट्यूब चैनल्स में और सभी चीज़ों में, पर यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे अच्छे से इलाबोरेट कर पाऊँ, और मैंने शायद वो किया, तो आप तक कितना रीच हुआ वो मुझे नहीं पता, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। और जो सेकंड ट्रिक है वो मेरे फ्रेंड की है, उसका एक चैनल है आयुर्वेदा ट्यूटोरियल्स करके, मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप पर्टिकुलर प्लांट्स की उसकी बनाई हुई ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं, बनी बनाई ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं, प्लांट देख सकते हैं और ट्रिक ले सकते हैं। तो ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड डू लाइक इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट।